कांग्रेस में भी अतः ही तन मनसु काम करता गया बिल्कुल करता। वो बात पीछे छूट चुकी भी तरह बा चर्चा भी करा तो भी तो छूट किडोरी लाल जी मीणा इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफा के हिसाब को देखो कि सुभाष मिल 36 को हम 36 बिरादरी ने साथ लेर जनता का परिवार कीजिए बाकू भाई बेटो बनर की खंडला की सेवा कराला सिकर भी आरगा और अयोध्या भी आरगा। जबकि मुस्लिम महिला ने 3 तलाक जियान की कुप्रथा से छुटकारा दिलावा को काम तो मोदी जी करिए। क्योंकि बाबा जी 2 चुनाव जीते तो बात आए कही गई कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नाम पर जीते। अब की बार जब हार है तो खटन खड़े मोदी जी की हार है। मंदिर के नाम पर वोट मांगना भारी पड़ेगा चुनाव में। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है, जलकुर में तारा बहुत बहुत स्वागत कर रहे हूँ। आज अपाया खंडेला और खंडेला अपाया खंडेला का युवा विधायक के करने, क्योंकि चुनाव के बाद में और 2 चुनाव जगह आप देखा दोनों चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीकर लोकसभा के अंदर और पूरा सीकर जिला के अंदर जाके चर्चा ही बस अच्छी आज अपना साथ है। लोकल मुद्दा कहीं है सारी बातचीत भाई इंटरव्यू के अंदर कर सिया। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताओ पहले तो, धन्यवाद। पहले तो मना बताओ विधानसभा को सेशन जो गयो है अशोक सेशन भी सेशन बहुत अच्छा रहा। वर्तमान सेशन में 2 दिन विधानसभा चली और बहुत अच्छा सेशन रहा और उसमें 2 प्रतिवेदन पे चर्चा भी हुई, रिको के प्रतिवेदन पे और डेयरी के प्रतिवेदन। एक वीडियो भी तारो खूब चल रहा विधानसभा में बोलता को डेयरी के बारे में। डेयरी की जो समस्या थी जो पिछले 10-15 सालों से जिसको डेयरी फेस कर रही है और जो वास्तव में किसानों के लिए बहुत तकलीफ देने वाली है, उन मुद्दों को हमने वहाँ पे उठाया। प्रमुखता से सदन में बातें सदन के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराया और मंत्री जी ने जब बहस के बाद में सबको विश्वास दिलाया कि हम इस समस्या का निराकरण करेंगे। मैं देखियो गया जन सुनवाई को जो कार्यक्रम चल रहा है देख के माना भी चोखो लागो तो प्रोग्राम है जा रहा जन सुनवाई को कितना टाइम से हो है सैटरडे संडे ने फिक्स रहे फिक्स। हाँ, संडे ने मैं जो रिंगस ब्लॉक का मैंने जन सुनवाई करूँ मेरा आवास पर और सैटरडे ने अटे खंडेला का। रिंगस की बात चली तो एक सवाल जी को मैं लोगों से भी बात करी, थारा प्रतिद्वंदी मान लियो या फिर आम लोगों की राय मान लियो, बे मन बताया कि सुभाष मिल जी आपकी बार रिंगस पर ज्यादा फोकस कर रखे हैं, दिमाग में क्या चीज है कि रिंगस आपकी बार अलग विधानसभा बन जाओ तो बट से चुनाव लड़ लो। नहीं, विधानसभा को कोई भी यान को मेरा कोई आइडियो को नहीं या विचार को नहीं, परिसीमन के वालों के नहीं वालों, लेकिन थे जब आया जब जबकि बात थे मैंने कह रहे हो तो थे खुद था की नजर से देखती है कि मैं खंडेला ऑफिस पर था जन सुनवाई करते हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बात था को विरोधी कुछ भी बात कह सके लेकिन मेरे राजनीति को एक सिद्धांत है कि बिना कोई बात की परवाह करता हूँ, जबकि अपेक्षा के मारे मैंने जनता चुनी, जबकि उम्मीदा के मारे मैंने जनता वोट दिया, बा उम्मीदा के मारे मैंने खरा उतरना है और भी पर खरा उतर सकू। कांग्रेस में भी अतः ही तन मनसु काम करता गया। बिल्कुल कर, वह बात पीछे छूट चुकी भी पर अब आप चर्चा भी करा तो भी तो चुका। लोकसभा चुनाव के अंदर सुभाष मिल को एक अलग क्रेज हो, बाबा जी के साथ में प्रचार में मान लो रिंगस के अंदर प्रचार, खंडेला के अंदर प्रचार, सीकर के अंदर अमित शाह की रैली ही, तो फिर लोकसभा चुनाव के अंदर हार को कारण के रही हो थे क्या इन समझा कि भाई बाबा जी की जो लीड थे भी थारा मुंह बोल रहे हैं, बात भी करी थारा सुसिकर में थे क्या 5 लाख वोट चुनाव जी को बाबा जी जीतेगा, लेकिन बात के सोए हो के चुनाव जी को पूरी बाजी पलट गई। देखो जनता डिसाइड करे जो भी रिजल्ट है परिणाम है फिर जनता ही तय करे और जनता के मैंने अब कारण तो बहुत सा एक चुनाव हार बा कोई एक कारण को लिया था तो सारा ही चीजा भी मैंने फैक्टर करो। आप मीडिया का माध्यम से कह चाह रहे हो कि जनता को जो फैसला हुआ माना मंजूर है लेकिन स्वामी जी पिछला 10 साल का मैं जो भी काम एक लोकसभा के मैं जावड़ा संसद करें मान करना चाहे वह काम स्वामी जी पूरा करे। मोटा मोटा काम मैं पहले भी बताया आज भी बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज हुए, सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी हुए, कई खिलाने के लिए बात हुए, रोडा की बात हुए या रेलवे को एक बहुत बड़ो नेटवर्क में लोग स्वामी जी अठे खड़े कर रहे हो, जबकि नाम मात्र की ट्रेन आती है आज बहुत सारी ट्रेन 50 से ज्यादा ट्रेन सीकर के लिए उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात। जनता तो मोदी जी ने समझ कौन पाई या फिर बाबा जी ने कौन समझ पाई, क्योंकि बाबा जी 2 चुनाव जीते तो बात आए कही गई कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नाम पर जीते। अब की बार जब हार है तो खटन खड़े मोदी जी की हार है। आज 60 साल के बाद में तीसरी बार मोदी जी बहुमत के साथ के मायने सरकार बनाई। बहुमत खड़े 240 ही है एनडीए का गठबंधन के मायने चुनाव लड़े हो और गठबंधन में जब आदमी चुनाव लड़े कोई भी पार्टियां चुनाव लड़े तो वो गठबंधन की ही जीत मानी जाए, गठबंधन की हार मानी जाए और गठबंधन पूर्ण बहुमत से तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनाने को काम 400 पार को नारो थे भी दिया चौमू की सभा से, योगी आदित्यनाथ जी भी जहाँ मौजूद है, मैं भी जहाँ आया,
कई बार जो आप टारगेट लो वो टारगेट कई बार पूरा को नहीं, वैसे कई कारण दिया हूँ, लेकिन मैं बात कह सकता हूँ कि पिछला 10 साल के मायने जो ऐतिहासिक काम मोदी जी की सरकार कराया, जिनका निर्णय मोदी जी कराया, वह निर्णय आजाद हिंदुस्तान के मायने कोई भी नेता करबा की हिम्मत को नहीं कर सका। और निश्चित रूप से 5 साल को जो कार्यकाल मिले, ऐतिहासिक फैसला जका का बरसा सो लोग इंतजार कर रहे हैं, वह फैसला मोदी जी द्वारा आप 5 साल के मायने लिया जाएगा, पब्लिक का हित के लिए, देश का हित के लिए, जनता का हित के लिए। माणा बाबा धाम को पर योगी आदित्यनाथ जी आया थे भी बीजा मौजूद था और मैं भी सभा ने जगह कवर कराया बीजा। एक बात कही गई आदित्यनाथ जी योगी जी आप बात बोले कि थे सीकर की स्ट्रीट जगह जिताओ फिर से कैसा मिलर अयोध्या अमेरिकन आज अयोध्या मैं थारो स्वागत करूंगा ऐसा थे स्वागत करो सीकर भी हारगा और अयोध्या भी हारगा। अब बात मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या बिल्कुल लोग जा रहे भी हैं, गया भी है, पहली भी ट्रेन गई, ट्रेन का यात्री काफ़ी संख्या से उठा भी गया, बालकों को भी स्वागत भी किया और आगे भी, क्योंकि जो भाई एक अपना आराध्य है भगवान श्री राम, तो वहाँ का मंदिर ने देखभाल के लिए जा रहे भी हैं लोग, जाता रहेंगे और वहाँ को बिल्कुल मैं भी सहयोग करूँगा। मंदिर के नाम पर वोट मांगना भारी पड़ेगा क्या चुनाव में? नहीं, मंदिर का नाम पर वोट को नहीं मांगा गया, वोट मांगा गया सिर्फ विकास का नाम। मंदिर बना वो आस्था को विषय है और जगह एजेंडा में हो बरसा सो तो वो मंदिर बना दी हो। नहीं प्रधानमंत्री 317 को मान लो तो 317 हटा दी, बाकी वोट जो मांगे प्रधानमंत्री जी का थे, देखो स्पीच देखो पूरा, चुनाव की कैंपेन देखो, वे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बिना 10 साल एक पारदर्शिता सुशासन देवो मेरी प्राथमिकता रही है और वो शासन मोदी जी दिए है। पहली बार 60 साल बाद में वो दूसरा मौका है जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद के माले शपथ ली थे। पहला कांग्रेस में एक बात कही जाओ कि माइनॉरिटी ज्यादा कांग्रेस की तरफ रहे थे, बीजेपी ज्वाइन कराया थे भी आप फर्क देखे कि माइनॉरिटी समाज टूटा या फिर जुड़ा? मैं तो थे थोड़ी लेट आया तो मैंने पता को नहीं, मैं देखिए कुछ महिला बार आई है माइनॉरिटी समाज की, मैं भी देखे आती हूँ। वो दरवाजो है वो 36 कौम 36 बिरादरी के लिए हर वर्ग धर्म के लिए खुलो है। चुनाव थे खुद 42,000 वोटों जीत्या, बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा नेता ने थे, पिछड़ा सांसद रेड़ा और महादेव सिंह खंडेला बहुत बड़ा नेता बने थे पटकनी चुनाव के अंदर 42,000 वोटा से दी, फिर लोकसभा चुनाव के अंदर जकीबा लीड भी थे, बाकी कौन रख पाया? पार्टी सवाल करी के तरफ से कि भाई ओके अरे सवाल करना करती है पार्टी। वसुंधरा जी से भी बातचीत हो? हां मिले, सदन में हूं तो आया मिल के है बाको भारतीय जनता पार्टी में भविष्य के वसुंधरा जी को ठीक है। देखो बीजेपी का नेता छोड़ समझ रहे नहीं बात करो, एक राजनीति का जानकार समझ रहे, मैंने एक बात बताओ पुराना लीडर है कि बा के बारे आज मैं टिप्पणी भी करूं तो मैंने मेरे लिए एक मर्यादित टिप्पणी बनी, वह माखलिए सम्मान्य है, वरिष्ठ है, पार्टी में खूब नेतृत्व दियो पार्टी ने और वह मारे लिए बहुत सम्मान्य। तो आई बात तो विपक्ष का डोटासरा जी कह रहे हैं कि विधायकगण की तो मीटिंग हुई को नहीं और ऊपर से एक पर्ची आकर मुख्यमंत्री बना दियो। नहीं मेरी बात सुनो, जो भी विधायक दल का नेता चुने और जो पूरी प्रोसेस है बीस चुना गया, पार्टी का फैसला है, पार्टी बहुत सारी चीजों ने ध्यान में देकर फैसला करा है, तो ए लोग तो क्या जवाब देना है? ए कोई जवाब दे बजिया को नहीं, जब को 5 साल के मायने जगह घटनाक्रम हुआ है, पार्टी अनुशासन की बात करें, पार्टी में लोकतंत्र की बात करें, तो थे मीडिया से ज्यादा कोई को नहीं समझ सके भी बात पर भी मैं टिप्पणी को नहीं करूँ क्योंकि पुरानी बात हो चुकी भाई, के चालो के नहीं चालो भाई खुद समझदार है, मैं तो विधानसभा के मायने नहीं बात 12 के मायने बोलने की बात है और हम इस बात के लिए कमिट है कि कमिटमेंट करते हैं कि कभी भी एक मर्यादा के नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करेंगे। तारो भविष्य थे आप बीजेपी में देख रहे होगे? भाई काम बीजेपी में ही देख रहे हैं, बीजेपी में ही हाँ और बीजेपी में ही रह देख रहे हैं, भविष्य तो दिख रहे हैं, भविष्य जनता बना वाली है, भविष्य जनता मैंने चुनियो, पार्टी मैंने मौको दियो, मैं फिर कह रहा हूँ कि अति बड़ी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, साधारण सा कार्यकर्ता की मेहनत ने देकर भी मौको दिया, क्योंकि एक नेतो जो पहले एक पार्टी के अंदर फिर पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी के अंदर आवा तो एक सवाल भी को ऊपर उठे कि कारण अगर आप पार्टी भी अगर थारे टिकट के बारे में या कोई और चीज के बारे में थारसों को खिटपिट करे तो वापस दूसरा रास्ता भी देखो लोग आगे वो सवाल जो मेरी बात सुनो, आज 43,000 जीते कैंडिडेट और जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी जो आदेश चलेगी वो मेरे लिए मान खंडेला थोड़ा पिछड़ो कौन दिखाई भाई
ये बात तो आप ज्यादा देख सको, कोई बात नहीं, लेकिन आज सही बात है कि विकास का कार्य जिसका खंडलम होना चाहिए ये पिछला 30 साल कर, और मैं आपका चैनल का माध्यम से जनता ने विश्वास दिया बचा रही हूँ कि विकास के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए और नौजवान पीढ़ी ने आगे बढ़ावा के लिए, विशेष तौर से मेरा फोकस है कि जो एक आम वर्ग है, जो साधारण परिवार है, जो कमाई का जगह कोई ज्यादा सोर्स को नहीं, बाकी बच्चा आगे कहीं बढ़े, सक्षम आदमी आपका रास्ता निकाल ले, लेकिन जो आम आदमी अभी का बच्चा आगे कहीं बढ़े, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो मेरा फोकस है। और मैं इसलिए स्कूलों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि स्कूलों के मायने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बने, बाकी मैं पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया हुआ है, अगर कोई कमरा, कोई संसाधन, कोई कमी है तो भले पूरी करी जाए, ताकि एक आम आदमी को बच्चों अच्छी शिक्षा ले आगे बढ़े। और मेरा एक सपना है, भी सपना के मायने बिल पूरा करवा कर लिए, मैं मेरा दिन रात एक कर्मे लिया है, और जी को ही नतीजो है कि महज जो 3 महीने को समय मिले, मैंने आचार संहिता का समय निकालवा के बाद में बी के मायने 12 करोड़ को बजट में स्कूलों के लिए स्वीकृत करा चुके हो, और जल्दी आप लोगों ने विश्वास दिला रहे हो कि महीना 2 महीना के मायने 8-10 करोड़ को और मैं बजट के लिए स्कूलों के लिए स्वीकृत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ नेता जी का कोई विशेष समुदाय के लिए कुछ शब्द आयन का उपयोग कर ले, जहाँ कुछ नेता लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान बदलवा की भी बात करी, ज्योति मिर्धा जी भी बोली और बठीन से संतोष सेलावत जी भी बोली, तो भाई बात सुनकर एक समुदाय ने कसोक लगा, एक नेता के तौर पर देखिए, देखो लोगों की बात लोग जाने, जका नेता बोलने या वह इस बात को स्पष्टीकरण दे, मैं थाने पहले भी कह चुके हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर, विकास के ऊपर, जनता की समस्या के ऊपर मेरा फोकस रह जाए। और मैं दोबारा ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सुभाष मिल 36 बिरादरी ने साथ लेर जनता का परिवार कीजिए, मैं को भाई बेटो बनर ही खंडला की सेवा कराला। किडोली लाल जी मीणा इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा पे दे दिया और बयान दिया कि 2 साल से अगर हार गया तो मैं इस्तीफा दे देंगे। अभी इस्तीफा के हिसाब को देखो, किडोली लाल जी आपकी बात फिर भी पूरी कर दी, एक ही हिसाब है मनाना, बाकी कोशिश कौन करेगी पार्टी, तो पार्टी देखो पार्टी नेतृत्व तो थे भी तो पार्टी का नेता होना है, बड़ा नेता होते छोटा थोड़ी हो, 42,000 वोटा से चुनाव जीते हो। किरोली लाल जी का बारे में आपको स्टेटमेंट दे चुके हैं, आपको वक्तव्य दे चुके हैं, और मैं कह दी भाई बात चली बिन में पूरी कर दी, एक ही लाइन की बात है, इन तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात। डोटासरा जी कह रहे हैं कि भाई मारमा शामिल हो सी थोड़ा दिन में देखो, डोटासरा जी तो भाई बड़ा नेता है जनाब, तो भाई 100% तो कुछ है कि बात के बारे में, तो मैं कह पार्टी में सब कुछ ठीक है किडोली लाल जी मीणा के लिए, थाने कौन दिख रहे हो, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया चल रहे हो, मान तो इस्तीफो दिख रहे हो, शासन चल रहे है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार प्रदेश में आता ही एक क्षेत्र के लिए पानी का समझौता करे, पानी के लिए बजट पास करो, और जो युवाओं के लिए जो मुद्दों हो पेपर लीक के मायने थे भी देख रहे हो, रोज गिरफ्तारी, सैकड़ों से ज्यादा गिरफ्तार, पहली बार इतिहास के मायने अति गिरफ्तारी होना, बात करना बहुत दूसरी चीज है, भाषण देने बहुत दूसरी चीज है, एक चीज अति गिरफ्तारी करनी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, आपने साथ में सुभाष मिल जी आ और आसो आप बातचीत करी, यहाँ कोशिश करी कि जितना सवाल जनता का है और जो करंट अफेयर्स में मुद्दा चल रहा है बाको पर सारी बातचीत करा, आपरी बेबाकी से आपने जवाब भी दिया और बहुत समझदारी से जवाब दिया, बहुत सा बयान है हल्का होया करे कि नेता जगह दे दे है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस करी कि बहुत समझदार नेता है और बहुत समझदारी से जगह आपने जवाब दिया। तो वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर जो और कमेंट बॉक्स में बता जो कौन सा सवाल है जिको मेरो करना सु आंसू रह गयो, आप एक बार ओजू आप प्लान कर सवाल इस आंसू ओजू करेंगा, खंडेला का कहीं और मुद्दा जगह थे मैंने बता जो, वीडियो ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो, बहुत बहुत धन्यवाद।